हुए राज्य को नहीं गिना रहे हैं आप। आपका और ये मोदी जी का रिश्ता क्या कहलाता है? पंजाब में ऐसे भी तो बीजेपी नहीं थी ना। सवाल का जवाब आपके दर्शक आपको कमेंट में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जनता की कोई सोच नहीं, जनता के माइंड को वॉश करने का काम आप लोगों ने किया। इसी मैटर से वोट तो ये वोट आप एमएलए चुनने जा रहे हैं, जीजा चुनने जा रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान के नाम से वोटिंग होगी, ये बताइए हो रही है ना? अरे आप एमएलए ऊपर महंगाई नहीं है क्या? आपको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से तनख्वाह मिलती है? आपको काले कलर की भाजपा की जो दलाली की पट्टी बांधी ना, इस पट्टी को उतार के अपनी जेब के अंदर रखिए और उसके बाद मेरे से बात करिएगा नेक्स्ट टाइम पे। सुन लीजिए, पूरा देश सुन लीजिएगा, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। और आप बनारस गई थी या नहीं गई थी? आप भी तो गए। बंगाल हारने पे आपको इतना नहीं दिखाया होगा अपना, जितना यूपी बीजेपी जीत गई इतना आप दिखा रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात सीधे तौर पर बताता हूँ कि लोगों की एक अपनी निजी और एक पर्सनल राय है कि लोग चिकन खाएं या नहीं खाएं, नवरात्र में खाना पसंद करें या नहीं करें। दूसरी ओर अगर आप बिहार के भारत देश के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं, जैसे बिहार है, बंगाल है, उन हिस्सों में अगर आप चले जाते हैं तो वहां पर बिहार और बंगाल जैसे स्टेट्स में वहां पर जो है माँ काली को बलि दी जाती है नवरात्रों के दौरान, तो वहां लोगों की एक अपनी अपनी राय है। लेकिन सरकार हर एक छोटे मुद्दे को हिंदू और मुस्लिम का रंग देने की कोशिश करती है। सरकार हर एक त्योहार पर, रुक जाइए, सरकार हर एक त्योहार पर देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलवाना चाहती है। सरकार चाहती है कि लोग अपने त्योहारों को अपनी इच्छा के अनुसार ना मना सकें। जिस देश के अंदर लोग अपनी इच्छा के अनुसार खा और पी नहीं सकते हैं, उस देश के अंदर कैसी आप डेमोक्रेसी मानते हैं? आप मानते हैं डेमोक्रेसी है? वही साथ ही साथ एक बयान और भी तो आया है कि जो मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर है उन्हें हटाया जाए। ये कोई मुद्दा नहीं है। सरकार जो असली मुद्दे हैं उनके ऊपर काम करती नहीं है। मुझे तो कभी कभार ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ, सुन लीजिए, मुद्दा है, मैं ये सोचने के ऊपर मजबूर हो जाता हूँ कि हम किसी एमएलए को चुनकर लाए हैं या किसी मंदिर के पुजारी को चुनकर लाए हैं कि वो बात करते हैं मंदिर और मस्जिद के ऊपर, जबकि बात करनी चाहिए एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के ऊपर, उनके ऊपर बात ही नहीं होती है। आज पेट्रोल 104 रुपए लीटर क्रॉस है भाई, बाबा रामदेव से पेट्रोल को लेकर पूछ लो। अरे आपको ऊपर महंगाई नहीं है क्या? आपको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से तनख्वाह मिलती है? आपको महंगाई, अरे आप मेरे को एक बात बताइए, आपको महंगाई मेरे ऊपर क्या आपको नहीं नजर आती? आप कर रहे हैं, आम जनता कहाँ है? किसको आम जनता कहाँ? आम जनता क्या घर जाके पता करा है आपने उनके घर का चूल्हा कैसे जल रहा है? पहले जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो आम जनता सड़कों पर उतरती थी, आज अगर आप सड़कों पर उतरेंगे ना तो उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसी बात को हम लगातार कह रहे हैं, ठीक है ना? तो महंगाई का असर जनता के ऊपर नहीं, इस बात को मत बोलिए। जाके जोमेटो स्विगी की डिलीवरी करने वाले बॉय से पूछिए इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो बाबा रामदेव ने इसका भी तो कहा है कि जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है उतनी तेजी से विकास हो रहा है। बाबा रामदेव सुन लीजिए, बाबा रामदेव को पहले तो स्कूल भेज के उसको पढ़ाया और लिखाया जाए। बाबा रामदेव को बात करने की तमीज नहीं है, बाबा रामदेव डॉक्टरों से बात करने की तमीज नहीं जानते हैं, बाबा रामदेव तो इस देश के अंदर पत्रकारों से बात करने की तमीज नहीं जानते, और पत्रकारों से बात करने की तमीज नहीं जानते उसके बाद पत्रकार उनको इतना तुल देते हैं, ठीक है ना? तो बाबा रामदेव की तो आप बात ही मत करिए, ठीक है? वो बाबा रामदेव इसलिए आज इतना बोलता है कि मेरी पूछ पाड़ लो क्योंकि उसको भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है। तभी भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण मिलने वाले नेता और मंत्री लोग जो मर्जी उठपटांग बयान दे देते हैं उन्हों को कोई फर्क नहीं, तो उन्हों को फर्क ही नहीं पड़ता है देश की इकोनॉमी से। प्रधानमंत्री जी का और बीजेपी का एक ही उद्देश्य है, ना घर बसाता हमारा ना बसने देंगे तुम्हारा, ठीक है ना? मोदी जी खैर वो एक पर्सनली मुद्दा है, देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं। आपकी तरह मैं ये मूर्खों वाले क्वेश्चनों के सवालों का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ। मुद्दा तो सुन लीजिए, ये मुद्दा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी की घरवाली है या नहीं है, वो उनका एक पर्सनली मैटर है। मुद्दा इस देश के अंदर सुन लीजिए, रुक जाइए, मुद्दा ये बनता है कि आज देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं? आज देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? 2018 के बाद से सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जारी क्यों नहीं किया है? सरकार ने किसानों की जो डेथ हुई अब तक कितने किसान मरे हैं उन लोगों का डेटा जारी क्यों नहीं किया है? सरकार देश की जनता से डेटा क्यों छिपा रही है? देश के अंदर देश के नौजवानों के लिए नई भर्तियां क्यों नहीं निकल रही है? देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन 100 स्मार्ट सिटियों की बात करते थे वो 100 में से 4 स्मार्ट सिटी बताएं कि वो कहां है, देश के कौन से राज्य में, देश के कौन से राज्य में बुलेट ट्रेन चलती है ये बता दीजिए, ठीक है ना? और जो आप बता रही ना कि बताते तो बताते हाँ। तो बता दीजिए 5 स्मार्ट सिटी कहाँ है? बनारस तो बताइए, बनारस 5। इनको सुन लीजिएगा, पिछले 3 महीने से कंटिन्यू हर एक इंटरव्यू में बनारस 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 चिल्ला रही है। गिनाइए बनारस, कहते कि स्मार्ट सिटी है, गिनाइए 5 सिटी, गिनाइए बनारस है, बरेली है, और गिनाइए और भी गोरखपुर है, गोरखपुर है, और बताइए अभी यही बना है ना, अभी तो और बनेंगे ना, अभी तो 6-7 साल में। तो आपने तीनों स्टेट का नाम बताया ना स्मार्ट सिटी में, स्मार्ट सिटी में आपने देखा होगा कि मंदिर के बाहर ही गोली चली है, ठीक है? और बनारस आप गई है, हाँ। बनारस में आप 4 बाल्टी पानी की गिर दो ना, नहीं मैं तभी बता रहा हूँ, बनारस में 4 बाल्टी पानी की गिर दो तो बाढ़ आ जाए। और बनारस की आप बात करें, बनारस की गंगा नदी के ऊपर मेरी वीडियो देखी होगी आपने, दारू की बोतलें भी पड़ी हुई थी वहां पर। तो ये ऐसी बनारस को स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी के अंदर स्थिति इतनी बदहाल है, लोग परेशान है, आप कैसी बात कर रही हैं? प्रधानमंत्री की स्मार्ट सिटी है, कहाँ है स्मार्ट सिटी? आप एक मिनट जो कभी अगर ये स्मार्ट सिटी होती ना तो आपको मैं एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो अखबार हैं उन अखबारों में वहाँ कलकत्ता के
जो रोड है उनकी फोटो नहीं आती अगर उत्तर प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी सुन लीजिए। विरोध कर रहे हैं लेकिन जनता वही वोट देकर उन्हें फिर जिताती है। योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, जनता ने तो वोट दिए हैं। जनता ने वोट दिया, इस बात की गारंटी आप कैसे दे सकती हैं बताइए आप मुझे। वोटिंग हुई थी ना? अरे वोटिंग हुई है तो ईवीएम सड़क पे नजर नहीं आया आपको? ये नहीं पता ईवीएम के बैलेट पेपर, एक मिनट, ईवीएम के बैलेट पेपर कूड़े के ढेर में पड़े नजर आए या नहीं आए ये बताइए। तो आप कैसे कह सकती हैं कि जनता ने वोट दिया और वोट सही जगह गया है ये बताइए। पांच राज्यों में तो चुनाव था, चार राज्यों में बीजेपी जीती है, तो आप कैसे कह सकते हैं? चार राज्यों में बीजेपी जीती है तो आपको ये बात कैसे पता है कि वोट जो जनता ने दिया है वो सही जगह गया है? चुनाव हुए थे ना, वो तो आपको भी पता है कि चुनाव हुए थे। अरे चुनाव मैं करा लूं और चुनाव में आप एक बात मुझे बताइए, अगर चुनाव मैं करा लूं और वोट ही के लिए सिर्फ एक ही बंदा खड़ा हूं कि मतलब आप एक ही को दबाओ और एक ही बंदे पर जाए वोट, तो क्या निष्पक्ष प्रक्रिया है? आप ईवीएम का सवाल खड़ा कर रहे हैं लेकिन विरोध में तो कोई भी पक्ष है। आप आंख से अंधी हैं या कान से बहरी हैं? आप आंख से अंधी हैं या कान से बहरी हैं? आपको एक बात समझ में नहीं आती या दिखाई नहीं देती है? मुझे सवाल का आप जवाब दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको ईवीएम सड़क पे नजर नहीं आए थे? ईवीएम के बैलेट पेपर कूड़े के ढेर में पहले एक मिनट चिल्लाइए मत, सुन लीजिए। आप आंख का ये सुन लीजिए, आंख में जो काले कलर की भाजपा की जो दलाली की पट्टी बांधी ना, इस पट्टी को उतार के अपनी जेब के अंदर रखिए और उसके बाद मेरे से बात करिएगा नेक्स्ट टाइम पे। सुन लीजिए पूरा देश, सुन लीजिएगा पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। और आप बनारस गई थी या नहीं गई थी? आप गए थे? मैं तो गई थी ना, लेकिन आपने जो भाजपा की दलाली की आंख पे पट्टी बांधी है ना, उसी बनारस के शहर के अंदर वहाँ ईवीएम सड़क पे पाए गए। आपने बोला एक बार भी? सवाल पूछा तो भाजपा की दलाल की पट्टी बता रहे हैं। आपने क्यों नहीं बोलती इस बात को? आप मुझसे पूछती है कि ईवीएम में क्या गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है? ईवीएम क्यों पाया जाता है सड़क पे बताइए, सवाल का जवाब। आप ही विरोध कर रहे हैं, बाकी दूसरी पार्टियां क्यों नहीं कर रही है? क्यों सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका नहीं दी विपक्ष के नेताओं ने? पार्टी विरोध तो नहीं कर रही ना? किसका? सड़कों पर उतर नहीं रही। अरे विरोध क्या करे, देश की स्थिति वैसी डैमेज है, विरोध करने के लिए सड़क पर उतरते ही रहे। और विरोध अगर करने के लिए उतरे तो सरकार परमिशन ही कहां देती है? एक परमिशन लेटर लगा के देखिए, कभी लगाया परमिशन के लिए लेटर? खैर आप तो दलाली करते हैं, आपके तो पत्रकार साथियों को भी अगर कुछ बोल दिया जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ता। पत्रकार दलाली करते हैं इसीलिए पत्रकार की जब बेइज्जती करी जाती है ना तो दूसरा पत्रकार उनके साथ नहीं खड़ा होता है। एक्चुअल स्थिति पे ध्यान दीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दीजिए, बेरोजगारी के ऊपर ध्यान दीजिए, पेट्रोल और डीजल पे ध्यान दीजिए। जी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा तो हिंदू मुस्लिम का है ना। आप कैसे कह सकती हैं एक पत्रकार अपने मुंह से ये कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम इस देश के लिए मुद्दा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इस देश के लिए मुद्दा नहीं है? हो तो जनता सड़कों पर उतरे ना, मुद्दा नहीं मतलब है। आपके कहने का मतलब मुद्दा ये है कि हिंदू और मुस्लिम है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर एक भाई दूसरे भाई का गला काट रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपकी सोच के ऊपर, मंदिर आपकी सोच के ऊपर, जनता की सोच है, जनता की कोई सोच नहीं है। जनता के माइंड को वॉश करने का काम आप इसी मैटर से वोट तो होती है ना, जो हिंदू मुसलमान का नाम पर वोट करने का काम आप लोग करते हैं। 24 घंटे मोदी मोदी चला रहे हैं, पाकिस्तान में किसकी सरकार बनेगी आप ये दिखाते हैं, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को दिखाते हैं, लेकिन श्रीलंका में आपात मोदी जी भी तो रूस गए थे, देखिए ना रिश्ते सुधार रहे दूसरे देशों से। आप तो ये भी दिखा रहे थे कि मोदी जी ने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को रुकवा दिया और वही रुकवा सकते हैं, हैं? बताइए ना आप मुझे, कह रहे थे ना आप ये नहीं कह रहे थे? तो आप इतनी दलाली क्यों करते हैं ये बताइए। एक एक होती है अंधभक्ति, उसकी भी एक हद होती है, एक सरहद एक सीमा होती है। आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें, आपने चौथे स्तंभ को इतना निचले स्तर पे लाके गिरा दिया है, इतने निचले स्तर पे सवाल सवाल करो तो आप दलाल आज कोई अगर पत्रकार सुन लीजिए अगर बीजेपी के इतने तो आप दलाल कह रहे हैं तो आप नहीं है दलाल नहीं है। तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट पे आपने क्यों कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट तो कोई मुद्दा ही नहीं है? आपने कहा कि बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है? मुद्दा नहीं है। आपको सरकार की बात सुननी चाहिए, विपक्ष की बात सुननी चाहिए? हम तो दोनों की बात सुनते हैं। दोनों की तो आपने एक बार भी नहीं बोली, आपने तो मना कर दिया, नकार दिया आपने सिरे से कि अनएम्प्लॉयमेंट कोई मुद्दा ही नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो हिंदू और मुसलमान है, और हिंदू और मुसलमान का मुद्दा कौन उठाती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीधे तौर पर। तो चलते भैया आप एक बात मुझे बताइए, हिंदू मुसलमान पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, वोट जहां से मिलेगा? आप एमएलए चुनने जा रहे हैं, जीजा चुनने जा रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान के नाम से वोटिंग होगी ये बताइए? हो रही है ना? आप एमएलए चुन रहे हैं, जीजा चुन रहे हैं, ये बताइए मुझे, हो रही है? क्या हो रही है? वोटिंग तो ऐसे होती है, ऐसे होती है। आप देखिए हो रही है, देखिए ना कहाँ हो रही है? पांच राज्यों में चुनाव नहीं हुए हिंदू मुसलमान के नाम से हुए। जो मुसलमान कैंडिडेट को हिंदू वोट नहीं देता या हिंदू कैंडिडेट को मुसलमान वोट नहीं देता ये बताइए? लेकिन जीत तो गई ना बीजेपी, इसी हिंदू मुसलमान करके क्या है बीजेपी? अरे बीजेपी ने तो मंत्री भी बनाया है एक मुस्लिम नेता को, और आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पे वोटिंग होती तो है? तो आप कह रहे हो ना बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है? आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे वोटिंग होती मुद्दा है, मैंने है सुना हिंदू मुसलमान के नाम पे वोटिंग होती है। अब तक इस देश में वोटिंग एजुकेशन हेल्थ और डेवलपमेंट पे होती थी, ठीक है ना? ये तो आपने नया बताया कि हिंदू मुसलमान के नाम पे वोटिंग होती है। आप हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट डालेंगे? राम मंदिर के नाम पे डालेगा वोट डालेगा एजुकेशन हेल्थ और डेवलपमेंट के नाम पर, क्योंकि हम इस देश की प्रगति उन्नति इस देश के डेवलपमेंट इस देश के विकास के लिए एक लीडर को चुनने के लिए जा रहे हैं, किसी मंदिर के महंत की मौलाना या पुजारी को चुनने नहीं जा रहे। 2022 के चुनाव थे, आपने विरोध किया बीजेपी का, बीजेपी जीती, अब मोदी जी गुजरात चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, देखिए ना।
चुनाव इस देश में हर छह महीने पे आते हैं, एक चुनाव नहीं जीते बीजेपी दोबारा जीत गई तो क्या आपत्ति हो गई? अच्छा। बंगाल हारने पे आपको इतना नहीं दिखाया होगा अपना, जितना यूपी बीजेपी जीत गई इतना आप दिखा रहे हैं। चार पांच राज्यों में चुनाव थे, चार में बीजेपी जीती है। हाँ, तो एक हारे हुए राज्य को नहीं गिना रहे हैं आप। आपका और ये मोदी जी का रिश्ता क्या कहलाता है? पंजाब में बीजेपी नहीं थी ना। सवाल का जवाब आपके दर्शक आपको कमेंट में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।